अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमारा आज का चैप्टर 5 का जो टॉपिक है वो है व्हाट आर सीपीयू रजिस्टर्स एंड ब्रीफली डिस्क्राइब स्पेशल पर्पस रजिस्टर्स। तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। स्क्रीन को हम फुल स्क्रीन कर लेते हैं ताकि आपको इजीली नज़र आए। जी, तो ये है हमारा टॉपिक जो आपको सामने स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। व्हाट आर सीपीयू रजिस्टर्स, ब्रीफली डिस्क्राइब स्पेशल पर्पस रजिस्टर्स। सीपीयू रजिस्टर्स क्या होते हैं और स्पेशल पर्पस रजिस्टर्स क्या हैं। हमारे पास, पहले मैं आपको बता दूं कि रजिस्टर्स की यहाँ जो टाइप्स एक्सप्लेन हैं, इनमें स्पेशल पर्पस रजिस्टर्स भी आप देखेंगे और जनरल पर्पस रजिस्टर्स भी आप देखेंगे और इसके अलावा एड्रेस और सेगमेंट रजिस्टर्स भी आप देखेंगे। इंशाल्लाह ये तीनों टॉपिक्स जो एक दूसरे से लिंक्ड हैं उसको हम कवर करेंगे इस लेक्चर में। तो स्टार्ट करते हैं, रजिस्टर्स बेसिकली हैं क्या। मैं आपको अगर एक चीज़ बता दूं कि जैसे हमने देखा था कि हमारे पास जो स्टोरेज थी, जो हमारे पास हार्ड डिस्क होती है, हमारे पास जिसे हम सेकेंडरी स्टोरेज भी कहते हैं, उसमें हम डेटा को स्टोर करते हैं, परमानेंटली स्टोर करते हैं, या वो चीज़ें स्टोर करते हैं जिनकी हमें फॉर द टाइम बीइंग ज़रूरत नहीं होती, जो एग्जीक्यूट नहीं हो रही होती। और रैम, हमारे पास एक मेमोरी थी जो फास्ट मेमोरी है, उसमें हम वो चीज़ें रखते हैं या उसमें वो चीज़ें आती हैं जो डेटा, जो प्रोग्राम, जो इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट हो रही होती हैं। ऐसा क्यों होता है, रैम पर क्यों लगाएगी सीपीयू में, जस्ट हमारा सेकेंडरी स्टोरेज से काम क्यों नहीं हुआ, हार्ड डिस्क से काम क्यों नहीं हुआ, इसलिए ताकि स्पीड इंक्रीज़ की जाए, परफॉर्मेंस इंक्रीज़ की जाए हमारे कंप्यूटर की, कि रैम में वो चीज़ें रहें जो एग्जीक्यूट होनी है, उन्हें बार बार सीपीयू से फेच करके, उन्हें बार बार सीपीयू फेच ना करके लाए हार्ड डिस्क से या सेकेंडरी स्टोरेज से। तो ये पर्पस था रैम को लगाने का। तो इससे भी ज़्यादा अगर हम स्पीड को इंक्रीज़ करना चाहें तो हमारे सिस्टम में ऐसे कंपोनेंट्स माउंटेड हैं जो कि रैम से भी ज़्यादा फास्ट हैं और इनमें भी डेटा रखा जाता है एग्जीक्यूशन के लिए, ताकि रैम से भी डेटा ना लाना पड़े बल्कि कुछ चीज़ें इनमें भी अवेलेबल हों। तो वो हमारे कंपोनेंट्स हैं रजिस्टर्स। रजिस्टर इज़ अ स्मॉल हाई स्पीड मेमोरी इनसाइड सीपीयू। सीपीयू के अंदर ही एक स्मॉल, एक छोटी सी मेमोरी होती है। रैम का साइज़ जैसे हमारे पास 4 GB, 8 GB एंड 16 GB है, तो रजिस्टर्स का साइज़ उससे भी कम है। इसी वजह से ये और ज़्यादा फास्ट हैं। तो रजिस्टर्स आर हाई स्पीड मेमोरी इनसाइड द सीपीयू। सीपीयू के अंदर हाई स्पीड मेमोरी है रजिस्टर्स। इट इज़ यूज टू स्टोर डेटा एंड इंस्ट्रक्शन टेम्परेरीली, और रजिस्टर्स भी डेटा और इंस्ट्रक्शन को रैम की तरह टेम्परेरीली ही स्टोर करते हैं, तब तक स्टोर करते हैं जब तक वो एग्जीक्यूट हो रहा हो डेटा या इंस्ट्रक्शन। डेटा इज स्टोर्ड इन रजिस्टर फ्रॉम मेन मेमरी फॉर एग्जीक्यूशन। मेन मेमरी में डेटा एग्जीक्यूशन के लिए आता है, ये चीज़ हमें पता है, हमने लास्ट लेक्चर्स में देखी है। CPU contain a number of registers. Each register has a predefined function. कह रहे हैं कि registers में data कहाँ से आता है, हमारे पास main memory से। मेन मेमोरी में पहले हमने देखा था डेटा आता है जो भी एग्जीक्यूट होने के लिए आता है, तो अब मेन मेमोरी से कुछ डेटा किस में आ जाता है, रजिस्टर्स में आ जाता है। और सीपीयू में डिफरेंट नंबर ऑफ रजिस्टर्स होते हैं, जो अभी आप आगे देखेंगे, एक रजिस्टर नहीं होता, आप कह लें डिफरेंट टाइप्स ऑफ रजिस्टर्स होती हैं। और ईच रजिस्टर हैज़ अ प्री डिफाइंड फंक्शन, और हर एक रजिस्टर का एक खास फंक्शन होता है जो इनके नेम से हमें यहाँ पता चलेगा। रजिस्टर साइज डिटरमाइन हाउ मच इंफॉर्मेशन इट कैन स्टोर। अब रजिस्टर का साइज़ ये डिटरमाइन करेगा, रजिस्टर के साइज़ पर डिपेंड करता है कि वो कितनी इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकता है। द साइज ऑफ रजिस्टर इज इन बाइट्स। रजिस्टर का साइज़ किस में होता है, बाइट्स में होता है। जैसे हमारे पास 1 byte है, दैट मीन 8 bits है। 2 byte रजिस्टर है, देखें रजिस्टर कैन बी ऑफ 1 byte, 2 byte, 4 and 8 bytes। तो रजिस्टर 1 byte है मतलब 8 bits, 2 bytes, 16 bits, 4 bytes, that means 24 bits, and 8 bytes, that means 8 ages, 64 bits. इतना register हो सकता है। Bigger size of register increase the performance of CPU. जितना बड़ा साइज होगा रजिस्टर का, उतनी सीपीयू की परफॉर्मेंस इंक्रीज होगी। ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए आपको कि रजिस्टर हाई स्पीड मेमोरी है, ये रैम से, हमारे पास मेन मेमोरी से आप कह लें डेटा स्टोर करते हैं, वो डेटा जो एग्जीक्यूट होना होता है, वो इंस्ट्रक्शंस जो एग्जीक्यूट होनी होती हैं, तो इस वजह से ये सीपीयू की परफॉर्मेंस को और ज़्यादा इंक्रीज करते हैं। तो जितना बड़ा रजिस्टर होगा, दैट मीन्स
इसमें स्टोर डेटा भी इतना ज़्यादा होगा। बिगर द साइज ऑफ रजिस्टर्स विल इंक्रीज द परफॉर्मेंस ऑफ सीपीयू। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। कुछ ना भी क्लियर हो तो फिर भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। स्पेशल पर्पस रजिस्टर, फर्स्ट टाइप है हमारे पास स्पेशल पर्पस रजिस्टर। स्पेशल पर्पस रजिस्टर में हमारे पास स्पेशल पर्पस रजिस्टर्स आर नॉर्मली यूज्ड बाय सीपीयू। सीपीयू इन रजिस्टर्स को इस्तेमाल करता है और दीज रजिस्टर आर एज फॉलो। कौन कौन से रजिस्टर स्पेशल पर्पस रजिस्टर्स में आते हैं? फर्स्ट हमारे पास है प्रोग्राम काउंटर। प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर जो है ये हमारे पास स्पेशल पर्पस रजिस्टर में आता है। प्रोग्राम काउंटर इज यूज टू स्टोर द एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी फेच्ड। प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर ने क्या करना है? स्टोर करना है एड्रेस, किस चीज़ का एड्रेस? नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का, जो भी एग्जीक्यूट होनी है, टू बी फेच्ड फॉर एग्जीक्यूशन। उस रजिस्टर ने, प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर ने ये करना है कि नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो भी एग्जीक्यूट होनी है, ठीक है, जो रजिस्टर, प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर ये करेगा कि एग्जीक्यूट होने वाली, नेक्स्ट जो एग्जीक्यूट होने वाली इंस्ट्रक्शन है उसका एड्रेस ये फेच करेगा, कि वो एड्रेस ढूंढना चाहिए। जैसे सपोज करें अभी इंस्ट्रक्शन नंबर 3 एग्जीक्यूट हो रही है, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन नंबर 4 या इंस्ट्रक्शन नंबर 5 जो भी एग्जीक्यूट होनी है उसका एड्रेस, अगर 4 है तो वो 4 फेच करके ले आएगा कि ये वाला एड्रेस है, अब ये वाली इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी, इस पे जाया जाए, इसका डेटा लोड किया जाए। व्हेन द इंस्ट्रक्शन इज फेच, जब इंस्ट्रक्शन फेच कर ली जाएगी, मतलब ढूंढ ली जाएगी, लाई जाएगी, द वैल्यू ऑफ द प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर इज इंक्रीमेंटेड। तो फिर उसकी वैल्यू, जो रजिस्टर था जिसमें अभी हमारे पास वैल्यू आई थी 4, इंस्ट्रक्शन 3 एग्जीक्यूट हो रही है तो उसके पास 4 वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन 4 ही फेच होनी है, 4 एग्जीक्यूट होनी है। तो जैसे ही 4 इंस्ट्रक्शन को फेच कर लिया जाएगा, 4 इंस्ट्रक्शन लोड की जाएगी, लाई जाएगी, तो फौरन से उसका एड्रेस पीसी रजिस्टर जो है, प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर जो है, उसका एड्रेस क्या हो जाएगा? इंक्रीमेंट हो जाएगा, मीन वर्ब 5 पे चला जाएगा कि अब इंस्ट्रक्शन नंबर 5 को फेच किया जाएगा। इसके बाद इट नाउ रेफर्स टू द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, और वो 5 एड्रेस किसको रेफर कर रहा होगा? कि इंस्ट्रक्शन नंबर 5 को रेफर कर रहा होगा, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को रेफर कर रहा होगा। तो ये था प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर, जिसका पर्पस ये है कि ये हमें नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो भी फेच होनी होती है एग्जीक्यूशन में, उसका एड्रेस ला के देता है। इससे क्या होता है, सीपीयू को यूटिलाइज किया जाता है, उसकी परफॉर्मेंस इंक्रीज होती है। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर है सेकंड टाइप ऑफ रजिस्टर हमारे पास जो है, वो है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर इज यूज टू स्टोर द फेच्ड इंस्ट्रक्शन। फर्स्ट वाले में हमने क्या देखा, एड्रेस ऑफ द इंस्ट्रक्शन टू बी फेच्ड वो स्टोर होगा, लेकिन इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर यूज टू स्टोर द फेच इंस्ट्रक्शन, जो भी इंस्ट्रक्शन फेच्ड है उसको स्टोर करेगा। द इंस्ट्रक्शन इज ऑल्सो डिकोडेड इन दिस रजिस्टर। सपोज कि इंस्ट्रक्शन 3 के बाद इंस्ट्रक्शन 4 जब हमें फेच करनी है, पीसी ने उसका एड्रेस दिया कि ये इंस्ट्रक्शन फेच की जाए, और इंस्ट्रक्शन जब फेच हुई तो वो किसने की? इंस्ट्रक्शन रजिस्टर ने की, और इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के पास वो आ जाएगी, इंस्ट्रक्शन इसमें सेव हो जाएगी और वो डिकोड भी करेगा इसको। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर डिकोड करेगा, डिकोड मींस वो ये अंडरस्टैंड करेगा, वो ये देखेगा कि क्या कहा जा रहा है इस इंस्ट्रक्शन में, क्या चीज एग्जीक्यूट करवाने का इस इंस्ट्रक्शन में ऑर्डर दिया गया है। नेक्स्ट हमारे पास है मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। ये हमारे पास थर्ड टाइप है रजिस्टर्स की, स्पेशल पर्पस रजिस्टर्स की। इसमें हमारे पास क्या कहा जा रहा है जी, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर इज यूज टू स्टोर मेमोरी एड्रेस बीइंग यूज्ड बाय सीपीयू। मेमोरी एड्रेस रजिस्टर हमारे पास क्या करता है कि उस मेमोरी एड्रेस को स्टोर करता है जो कि सीपीयू ने यूज करना है। बीइंग यूज्ड बाय सीपीयू, सीपीयू जो अभी यूज कर रहा है, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर उस एड्रेस को स्टोर करेगा जो अभी सीपीयू यूज कर रहा है। व्हेन सीपीयू वांट्स
टू रीड और राइट डेटा इन द मेमोरी, क्योंकि MAR में मेमोरी एड्रेस रजिस्टर में वो एड्रेस मौजूद है जो CPU ने यूज़ करना है। तो जब CPU डेटा वहाँ से रीड करना चाहता है उस एड्रेस से या राइट करना चाहता है डेटा उस मेमोरी एड्रेस पे, इट स्टोर द एड्रेस ऑफ दैट मेमोरी लोकेशन इन दिस रजिस्टर। तो CPU क्या करता है, जिस मेमोरी लोकेशन का एड्रेस यूज करना चाहता है उसमें, चाहे वो डेटा रीड करना चाह रहा हो या राइट करना चाह रहा हो, वो उसका एड्रेस फिर MAR रजिस्टर में CPU स्टोर करवा के रखता है। मीन बार बार CPU को ये चीज सर्च ना करनी पड़े कि कहाँ डेटा राइट करवाना है कहाँ रीड करवाना है। इसके लिए, इससे बचने के लिए, अपनी परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने के लिए CPU क्या करता है, एक साइड में समझने के लिख के रख लेता है। तो वो कौन सा रजिस्टर है जिस पे वो राइट करके रखता है उस मेमोरी का एड्रेस, वो एड्रेस जिस पे उसने कुछ राइट करना है या रीड करना है वो है मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, और इसे हम MAR रजिस्टर भी कहते हैं। तो ये हो गई हमारे पास थ्री टाइप। नेक्स्ट है हमारे पास फोर्थ टाइप, मेमोरी बफर रजिस्टर। मेमोरी बफर रजिस्टर को MBR रजिस्टर भी कहते हैं, और MBR रजिस्टर में हमारे पास क्या होता है, इज यूज टू स्टोर द डेटा कमिंग फ्रॉम मेमोरी और गोइंग टू द मेमोरी। देखें, डेटा जो मेमोरी से आ रहा है या डेटा जो मेमोरी से जा रहा है, वो किसने स्टोर करना है, वो स्टोर करना है हमारे पास मेमोरी बफर रजिस्टर में, कि मेमोरी से कौन सा डेटा आया। स्टोर द डेटा कमिंग फ्रॉम मेमोरी, मेमोरी से हमारे पास कौन सा डेटा आया, किस डेटा पे एग्जीक्यूशन हो रही है, या फिर और गोइंग टू द मेमोरी, या CPU से कौन सा डेटा आया मेमोरी में स्टोर होने के लिए, ये सारी चीज़ें स्टोर करेगा MBR रजिस्टर हमारे पास। और स्पेशल पर्पज रजिस्टर की लास्ट टाइप है हमारे पास स्टैक पॉइंटर रजिस्टर। पहले आपको ये पता होना चाहिए कि स्टैक क्या है। स्टैक इज अ सेट ऑफ मेमोरी लोकेशन इन विच डेटा इज स्टोर्ड एंड रिट्रीव्ड इन एन ऑर्डर। मेमोरी लोकेशंस का सेट होता है स्टैक, जिसमें डेटा किसी ऑर्डर में स्टोर होता है और रिट्रीव भी होता है उस ऑर्डर में। तो ऑर्डर क्या है, स्टैक का ऑर्डर होता है लिफो, जिसे हम कहते हैं लास्ट इन फर्स्ट आउट। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं डेली लाइफ से, तो आप प्लेट्स को जब रखते हैं, डिशेस को जब रखते हैं, एक प्लेट रखेंगे, एक डिश रखेंगे, उसके ऊपर दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, अब तो सो ऑन, आप 10, 20, 30 जितनी भी डिशेस रखते हैं या बुक्स एक दूसरे के ऊपर रखते हैं, तो ये जो आपकी लोकेशंस बन जाती हैं या ये जो आपकी अरेंजमेंट बन जाती है ये एलिमेंट्स की, ये आपकी स्टैक अरेंजमेंट है। अब इसमें आप लास्ट से या सेंटर से चीज़ पहले नहीं उठाएंगे, आप एक ऑर्डर में उठाएंगे, सबसे पहली चीज़ सबसे नीचे चली गई, और सब उसके बाद, उसके बाद, उसके बाद, और जब जो सबसे लास्ट चीज़ ने रखी है आपने, सबसे लास्ट जो आपने डिश रखी है या बुक रखी है, वो सबसे टॉप पे आ जाएगी। तो स्टैक में भी ऐसा ही होता है कि जो लास्ट इन होता है, मीन जो सबसे आखिर में एलिमेंट डाला जाता है, वो सबसे पहले बाहर आता है, फर्स्ट आउट होता है। मतलब आप टॉप ऑफ द स्टैक से चीज़ें रिट्रीव कराना शुरू करते हैं, उठाना शुरू करते हैं। जैसे आप प्लेट्स उठाना शुरू करें, तो जो सबसे एंड पे आपने रखी ऊपर से, वो सबसे पहले उठाई जाएगी, जो सेकंड लास्ट पे रखी थी वो दूसरे नंबर पे उठाई जाएगी। इसी तरह जो आपने सबसे पहले रखी थी वो सबसे एंड में उठाई जाएगी। तो ऐसा ही हमारे पास स्टैक क्या है, एक हमारे पास डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें डेटा स्टोर तो होता है लेकिन लास्ट इन फर्स्ट आउट के ऑर्डर से रिट्रीव किया जाता है या निकाला जाता है। द डेटा आइटम स्टोर्ड एट द टॉप ऑफ स्टैक इज रिट्रीव्ड बिफोर रिट्रीविंग द आइटम्स बिलो इट। तो हर जब भी स्टैक में आप देखेंगे कि जो डेटा आइटम सबसे टॉप पे है, पहले आप उसे निकालेंगे, फिर उसके नीचे वाला निकालेंगे, उसके बाद जो सेकंड पे है आप उसे निकालेंगे, फिर थर्ड वाले को निकालेंगे, फिर थर्ड वाले को आप निकालेंगे, फिर फोर्थ वाले को निकालेंगे। दैट मीन्स कि रिवर्स ऑर्डर में, आप कह लें जिस ऑर्डर में आप प्लेस करते हैं उसके रिवर्स ऑर्डर में आप डेटा को निकालते हैं। तो स्टैक पॉइंटर रजिस्टर हमारे पास एक स्पेशल पर्पज रजिस्टर है, और डेटा आइटम जो स्टोर किए जाते हैं उनको रिट्रीव कराने के लिए ये यूज होता है कंप्यूटर में। स्टैक पॉइंटर रजिस्टर आर यूज टू मैनेज द स्टैक्स इन कंप्यूटर। कंप्यूटर में जो भी आप डेटा स्टोर करवाते हैं, फिर उसको रिट्रीव कराना होता है, उनको मैनेज करने के लिए फिर ये रजिस्टर यूज होता है, ताकि वो एक ऑर्डर में एलिमेंट स्टोर किए जाएँ और एक ऑर्डर में रिट्रीव भी किए जाएँ। ये था हमारे पास स्पेशल पर्पज रजिस्टर, और आप यूँ समझ लें कि स्पेशल पर्पज रजिस्टर्स या रजिस्टर्स हमारे पास
क्या है, मेमोरी है, फास्ट मेमोरी है, जो कि इतने ज़्यादा फंक्शंस हमें प्रोवाइड करती है। जिस तरह की रजिस्टर की टाइप है वो अपनी टाइप के हिसाब से अपना फंक्शन परफॉर्म करता है और सीपीयू की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करता है, सीपीयू की एफिशिएंसी को इम्प्रूव करता है। तो चलते हैं जनरल पर्पज़ रजिस्टर्स की तरफ। जनरल पर्पज़ रजिस्टर में सबसे पहले हम देख लेते हैं क्या है ये। जनरल पर्पज़ रजिस्टर्स आर यूज इन मैथमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशंस। किस चीज़ में जनरल पर्पज़ रजिस्टर यूज होते हैं? मैथमेटिकल ऑपरेशन में और लॉजिकल ऑपरेशन में। दो तरह के ऑपरेशन जनरल पर्पज़ रजिस्टर्स परफॉर्म करते हैं कि आपने एडिशन करनी है, सब्ट्रैक्शन करनी है, मल्टीप्लिकेशन करनी है, डिवीजन करनी है, मैथमेटिकल फंक्शन जो भी परफॉर्म करने हैं उसमें आपका जनरल पर्पज़ रजिस्टर यूज होगा। इसके अलावा लॉजिकल ऑपरेशन, आपने कंपेरिजन परफॉर्म करने हैं नंबर्स के दरमियान, आपने ग्रेटर नंबर चेक करना है, स्मॉलर कौन सा है, लेस देन चेक करना है, इक्वल है या नहीं कोई दो नंबर्स, कोई तीन नंबर्स, या फिर आपने आपने नॉट इक्वल है चेक करना है, कोई भी कंपैरिजन किसी भी किस्म का परफॉर्म करना है तो लॉजिकल ऑपरेशंस कहलाएंगे वो। और लॉजिकल ऑपरेशंस के लिए भी आपके जनरल पर्पस रजिस्टर यूज होते हैं और मैथमेटिकल ऑपरेशंस के लिए भी आपके जनरल पर्पस रजिस्टर यूज होते हैं। दीज रजिस्टर्स आर पार्ट ऑफ ALU। देखिए आपको याद हो तो हमने कंपोनेंट्स में जब अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट पढ़ा था कि सीपीयू का जो यूनिट था ALU, इसमें हमने पढ़ा था कि हमारे पास ALU अर्थमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशंस परफॉर्म करता है। तो अब आपको ये सोचना चाहिए कि अब हम कह रहे हैं कि रजिस्टर्स परफॉर्म करते हैं, पहले हम कह रहे थे कि वो यूनिट करता है, तो उस यूनिट में ये रजिस्टर्स लगे होते हैं। ALU यूनिट में ये रजिस्टर्स उस ALU यूनिट का पार्ट होते हैं और ये हेल्प करते हैं ALU यूनिट को लॉजिकल और मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करने में। ठीक है, जनरल पर्पस रजिस्टर्स आर एज फॉलो यहाँ डिस्कस किए गए हैं। जनरल पर्पस रजिस्टर्स देख लेते हैं हम। फर्स्ट है एक्यूमुलेटर रजिस्टर, और यहाँ देखें कि ए स्टैंड फॉर एक्यूमुलेटर रजिस्टर। यहाँ एक डायग्राम भी आएगी, हम इसको भी देखेंगे, तो आप साथ साथ याद रखें कि ए फॉर एक्यूमुलेटर, बी फॉर बेस रजिस्टर्स, सी फॉर काउंटर रजिस्टर्स एंड डी फॉर डेटा रजिस्टर्स। यहाँ हम इस डायग्राम में इस तरह से इस नेम से इसको एक्सप्लेन करेंगे। स्टार्टिंग लेटर हम लेंगे ए रजिस्टर, बी रजिस्टर, सी रजिस्टर एंड डी रजिस्टर। ओके, फर्स्ट एक्यूमुलेटर रजिस्टर है, इट इज यूज फॉर अर्थमेटिक एंड डेटा ऑपरेशन। जो भी अर्थमेटिक ऑपरेशन है या डेटा पे जो भी ऑपरेशंस किए जाएंगे उसके लिए यूज होगा अर्थमेटिक ऑपरेशंस के लिए, या हमारे पास डेटा ऑपरेशंस के लिए एक्यूमुलेटर रजिस्टर। बेस रजिस्टर है, इसका क्या पर्पस है, इसका क्या काम है? इट इज यूज फॉर अर्थमेटिक एंड डेटा मूवमेंट। हमारे पास डेटा की मूवमेंट हो, चाहे अर्थमेटिक हमारे पास जो भी नंबर्स हैं, हमारे पास ऑपरेटर्स हैं अर्थमेटिक, उनकी मूवमेंट हो, उसके लिए बेस रजिस्टर यूज होगा। इट हैज स्पेशल एड्रेसिंग कैपेबिलिटीज, इसके इसकी कुछ खास खसूसियात हैं, कुछ कैपेबिलिटीज हैं, इसी वजह से इसको डेटा मूवमेंट में एड्रेसिंग कैपेबिलिटीज हैं इसके पास, इसी वजह से इसे डेटा मूवमेंट में यूज किया जाएगा। थर्ड है हमारे पास काउंटर रजिस्टर। काउंटर रजिस्टर रजिस्टर की एक ऐसी टाइप है, इट इज़ यूज फॉर काउंटिंग पर्पस। इसके नाम से भी जाहिर है कि काउंट करने के लिए ये यूज होगा। इट एक्ट एज अ काउंटर फॉर रेपिटिशन और लूप्स। ये रेपिटिशन जो होंगी, चीज़ें जो रिपीट होंगी अगेन एंड अगेन, उसके लिए, या फिर लूप्स जिसे हम कहते हैं कि एक ही काम हमारे पास अगेन एंड अगेन हो, हमारे पास एक इंस्ट्रक्शन है वो 10 टाइम एग्जीक्यूट हो, तो फिर कौन काउंट करेगा? कंप्यूटर ये ना हो कि उसे 20 टाइम काउंट एग्जीक्यूट करा दे, या 30 टाइम करा दे, या 9 टाइम्स करा दे, हमने 10 टाइम करवानी है, तो फिर कोई रजिस्टर चाहिए जो अपने पास रिकॉर्ड रखे कि अभी ये कितने टाइम एग्जीक्यूट हुआ है, नेक्स्ट फिर कितने टाइम, फिर कितने टाइम, तो वो 10 टाइम पूरे करवाए। तो इस तरह की चीज़ों के लिए जिसमें रेपिटिशन होनी हो उसके लिए काउंटर रजिस्टर होता है, जो कि काउंट करता है रेपिटिशन को और हमारी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कराता है। ये भी ALU का पार्ट होता है। लास्ट है हमारे पास यहाँ डेटा रजिस्टर। डेटा रजिस्टर किस चीज़ के लिए यूज़ होता है? ये डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन के फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए यूज़ होता है। और अब हम देखते हैं, हमने देखा कि हमारे पास जो
जनरल पर्पस रजिस्टर्स हैं वो मैथमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए यूज होते हैं। फोर टाइप्स देखी हमने, ए बी सी डी रजिस्टर्स आप कह लें, ये फोर टाइप्स हमने देखी। और अब साइज की तरफ चलते हैं कि स्पेशल पर्पस रजिस्टर का हमने साइज देखा था, अब देखते हैं कि जनरल पर्पस रजिस्टर्स का हमारे पास क्या साइज होता है। द साइज ऑफ दीज रजिस्टर कैन बी 1, 2, 4 बाइट। देखिए उन रजिस्टर्स का साइज हमने कितना देखा था, 1, 2, 4 और 8 बाइट्स के, 8 बाइट्स भी हो सकता है। जबकि जनरल पर्पस रजिस्टर में हमारे पास अगर हम साइज देखें 1, 2, 4 बाइट्स, मीन 1 बाइट 2 बाइट 4 बाइट, तीन तरह के रजिस्टर्स हो सकते हैं साइजेस में ये। द 2 बाइट डेटा रजिस्टर्स AX, BX, CX and DX contain the two parts of 8 bit size. कह रहे हैं अगर 1 byte का होगा that means उसमें 8 bits होंगी, तो जो 2 bytes का है उसमें कितनी bits होगी, 16 bits हो गई, double हो गई इसमें bits, 2 bytes में 16 bits होती हैं। तो data register जो 2 bytes का होगा, कह रहे हैं कि हमारे पास उसके parts कौन कौन से होंगे, AX, BX, CX, DX contain two parts of 8 bits, चाहे इनमें से कोई भी रजिस्टर जो 2 बाइट्स का होगा उसमें दो पार्ट्स होंगे, वो एक ही पूरे एक जगह पे पूरे 16 बिट्स नहीं होंगे कि 0 से लेके 15 तक वो सारे बिट्स इकट्ठे हों, बल्कि उसमें ये जो 16 बिट्स होंगे ये दो पार्ट्स में डिवाइड हुए हुए होंगे। ठीक है, दीज पार्ट्स आर सेपरेटली एक्सेसिबल, और वो जो दो पार्ट्स होंगे जिसमें रजिस्टर डिवाइड होगा ये सेपरेटली एक्सेसिबल होंगे। जैसे देखें आप यहाँ से लेके हम एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर हमारे पास एक एक्यूमुलेटर रजिस्टर है और वो 16 बिट्स का है यानी कि 2 बाइट्स का है, तो ये देखें यहाँ से 0 से लेके यहाँ तक 16, 0 से लेके 15 तक वो होगा, 16 से आगे और स्पेस शुरू हो जाएगी, 0 से 15 तक वो होगा तो वो दो पार्ट्स में डिवाइड होगा, पहला पार्ट होगा AL और दूसरा पार्ट होगा AH. L mean lower and H mean higher. तो L AL lower bits को represent करेगा और AH जो है वो higher bits को represent करेगा। 0 to 7 जो हमारे पास होंगी वो lower bits होंगी और 8 to 15 जो हमारे पास होंगी वो higher bits होंगी। ये 16 bit का register है, 2 parts में divide है, जो first right part है वो हमारे पास lower order bits कहलाती हैं और जो नेक्स्ट है वो हायर ऑर्डर बिट्स कहलाती हैं। यही चीज़ यहाँ एक्सप्लेन की गई है, द लोअर ऑर्डर बाइट्स आर AL, BL, CL एंड DL, द हायर ऑर्डर बाइट्स आर AH, BH, CH एंड DH। तो ये हायर ऑर्डर बिट्स हैं AH, BH, CH एंड DH, और ये हमारे पास लोअर ऑर्डर बिट्स हैं AL, BL, CL, DL। ठीक है, आप कह लें कि इन रजिस्टर की जो स्पेस है उनको टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है, 1 बाइट राइट साइड पे है वो लोअर ऑर्डर कहला रहा है और 1 बाइट लेफ्ट साइड पे है जो हायर ऑर्डर कहला रहा है हमारे पास। और मॉडर्न प्रोसेसर यूज द रजिस्टर्स ऑफ 4 बाइट्स, कह रहे हैं कि जो मॉडर्न प्रोसेसर हैं, अब जो नए प्रोसेसर आ रहे हैं हमारे पास, जो नए कंप्यूटर सिस्टम्स आ रहे हैं, उनमें 4 बाइट्स यानी कि 32 बिट रजिस्टर्स भी लगे हुए हैं, जिनको क्या कहा जाता है, नोन एज EAX, EBX एंड ECX। तो इस पोर्शन को क्या नाम दिया गया है, इन रजिस्टर्स के पार्ट को नाम दिया गया है EAX, मीन हमारे पास एक्यूमुलेटर रजिस्टर जो था वो हमारे पास EAX, मतलब ये 4 बाइट्स में हमारे पास आ रहा है। EBX मीन हमारे पास जो बेस रजिस्टर था वो 4 बाइट्स में है। ECX मीन हमारे पास जो काउंटर रजिस्टर था वो 4 बाइट्स में है। EDX मीन ये 4 पूरे बाइट्स यहाँ से यहाँ तक ये पूरा हमारे पास कवर करते हैं इस जगह को। EDX मीन ये हमारे पास डेटा रजिस्टर है 8 बाइट्स में। ठीक है, इसी तरह हमारे पास अगर हम देखें तो नेक्स्ट भी कुछ रजिस्टर्स हैं, ये देखिए यहाँ इन्होंने SP, BP, SIDI ये भी रजिस्टर्स बताए हैं और ये भी हमारे पास 2 बाइट्स या 4 बाइट्स में आ रहे हैं। तो लास्ट हमारा है यहाँ के सेगमेंट रजिस्टर या एड्रेस रजिस्टर क्या है, इसे भी वाइंड अप कर लेते हैं। एक छोटा सा टॉपिक है, इसी से रिलेटेड है कि ये भी रजिस्टर्स हैं हमारे पास, इनका नाम क्या है, एड्रेस रजिस्टर और सेगमेंट रजिस्टर।
सेगमेंट किसे कहते हैं? सेगमेंट इज अ ब्लॉक ऑफ मेमोरी, एड्रेस और सेगमेंट रजिस्टर्स आर यूज टू स्टोर द एड्रेस ऑफ मेमोरी ब्लॉक्स ऑफ द इंस्ट्रक्शन बीइंग एग्जीक्यूटेड। बच्चे सेगमेंट किसे बोलते हैं? हमारे पास एक मेमोरी ब्लॉक होता है। आप सपोज करें कि आपकी जो पूरी की पूरी मेमोरी है वो डिफरेंट ब्लॉक्स में डिवाइडेड है। जैसे आप हम रियल लाइफ में बात करें तो कोई भी हमारे पास जो हाउसिंग सोसाइटी होती है, कोई भी लिविंग एरिया होता है, अब जो मॉडर्न सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग उसमें ब्लॉक्स बना दिए जाते हैं। ब्लॉक्स क्यों बना दिए जाते हैं? ताकि एक्सेस इजी हो, आप आसानी से पहुंच सकें, आसानी से आपको कोई पोस्ट वहां पहुंच सके, आसानी से कोई अननोन पर्सन वहां तक पहुंच सके, वहां का ब्लॉक देख के, वहां की स्ट्रीट देख के, वहां का एड्रेस देख के। तो इसी तरह मेमोरी में भी हमारे पास ब्लॉक्स बनाए जाते हैं। और एक एक मेमोरी सेगमेंट, सपोज करें ये इतना पूरा आपके पास एक मेमोरी साइज है, तो इसको फोर पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाए, यहाँ फोर मेमोरी ब्लॉक्स बना दिए जाएं, या 20 पार्ट्स में, 30 पार्ट्स में डिवाइड करके वहाँ मेमोरी ब्लॉक्स बना दिए जाएं, तो हमारे पास एड्रेस रजिस्टर या सेगमेंट रजिस्टर भी इसी को कहते हैं। इस ये किस लिए यूज होता है? ये स्टोर करने के लिए एड्रेस ऑफ मेमोरी ब्लॉक्स। सपोज करें कि यहाँ आपके पास फर्स्ट ब्लॉक है, तो इसका एड्रेस क्या है, नेक्स्ट ब्लॉक का एड्रेस क्या है, नेक्स्ट ब्लॉक का एड्रेस क्या है, 30 ब्लॉक्स अगर हैं तो किसको A1, A2, B1, B2, कौन सा उसको एड्रेस असाइन है उस ब्लॉक को, वो स्टोर करने के लिए एड्रेस रजिस्टर या सेगमेंट रजिस्टर यूज होगा। और हमारे पास किन इंस्ट्रक्शन, जो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रही होंगी उनका वो एड्रेस नोट करेगा, ठीक है, एड्रेस रजिस्टर। अगर सपोज हमारे पास इंस्ट्रक्शन नंबर 5 एग्जीक्यूट हो रही है तो वो मेमोरी में किस एड्रेस ब्लॉक पे है, मेमोरी के किस सेगमेंट पे वो स्टोर हुई हुई है इंस्ट्रक्शन, वो एड्रेस स्टोर करेगा एड्रेस रजिस्टर। देयर आर 4 सेगमेंट रजिस्टर्स और हमारे पास सेगमेंट रजिस्टर्स की 4 टाइप्स हैं। फर्स्ट है CS, कोड सेगमेंट, नेक्स्ट डेटा सेगमेंट, नेक्स्ट है एक्स्ट्रा सेगमेंट एंड लास्ट है स्टैक सेगमेंट। द साइज ऑफ ईच रजिस्टर इज 2 बाइट और इन सारे रजिस्टर्स का साइज, सेगमेंट रजिस्टर की जितनी भी टाइप्स हैं, पहले हमने पढ़ा स्पेशल पर्पस रजिस्टर, फिर हमने पढ़ा जनरल पर्पस रजिस्टर और लास्ट में हमारे पास आया एड्रेस या सेगमेंट रजिस्टर्स। तो सेगमेंट रजिस्टर्स 2 बाइट के होते हैं, सबका साइज सेम होता है जितने भी इसकी टाइप्स हैं। दीज रजिस्टर्स आर यूज विद IP रजिस्टर और इंडेक्स रजिस्टर। हमारे पास कह रहे हैं कि हमारे जो डेटा रजिस्टर्स हैं या सेगमेंट रजिस्टर्स हैं, ये किस रजिस्टर्स के साथ यूज होते हैं? IP, क्योंकि हमें पता है कि IP हमारे पास एड्रेस रजिस्टर्स होते हैं, तो उनके साथ ही कॉम्बिनेशन में रजिस्टर्स यूज होते हैं। डिफरेंट सेगमेंट रजिस्टर्स आर एज फॉलो, क्या क्या अब इन चारों की फंक्शनिंग है, क्या क्या इनकी वर्किंग है, या ये कहाँ यूज होते हैं, ये हम देख लेते हैं। कोड सेगमेंट रजिस्टर कहाँ यूज होता है? इट स्टोर द बेस लोकेशन ऑफ ऑल एग्जीक्यूटेबल इंस्ट्रक्शन इन अ प्रोग्राम। इट इज यूज विद IP रजिस्टर टू फेच प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन फ्रॉम मेमरी। हमारे पास कोड सेगमेंट रजिस्टर बेस लोकेशन देखता है ऑल एग्जीक्यूटेबल इंस्ट्रक्शन, मीन आपके पास जितनी भी इंस्ट्रक्शन है एक प्रोग्राम में, चाहे वो 2 हैं, 10 हैं, 15 हैं, 20 हैं या 100 हैं, उनकी बेस लोकेशन, दैट मीन्स वो कहाँ से इंस्ट्रक्शंस लाई जाएंगी, कहाँ से उन इंस्ट्रक्शंस पे काम स्टार्ट होगा, बेसिक इंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट कहाँ से होना है, वो एड्रेस, वो स्टोर लोकेशन स्टोर करेगा कोड सेगमेंट रजिस्टर। और IP रजिस्टर के साथ यूज होता है, ये कॉम्बिनेशन में यूज होता है और प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन को मेमोरी से फेच करके लाता है जिस इंस्ट्रक्शन को भी एग्जीक्यूट होना होता है। फिर है डेटा सेगमेंट रजिस्टर। इट इज यूज एज अ डिफॉल्ट बेस लोकेशन फॉर मेमोरी वेरिएबल्स। जो भी हम वेरिएबल्स यूज करते हैं अपने प्रोग्राम्स में, अपने इंस्ट्रक्शंस में, उनकी लोकेशन स्टोर करने के लिए, उनकी लोकेशन फेच करने के लिए हमारे पास डेटा सेगमेंट रजिस्टर यूज होता है। इट इज यूज विद DI और SI रजिस्टर। हमारे पास ये डेटा रजिस्टर या सेगमेंट रजिस्टर के साथ, इट इज यूज विद DI और SI रजिस्टर टू रेफर टू डेटा इन द मेमोरी। ये हमारे पास डेटा रजिस्टर के साथ या ये हमारे पास सेगमेंट रजिस्टर के साथ यूज होता है, ताकि क्या किया जाए, मेमोरी से डेटा को फेच करके लाया जाए।
थर्ड टाइप है हमारे पास एक्स्ट्रा सेगमेंट। एक्स्ट्रा सेगमेंट हमारे पास भी एक रजिस्टर है, इट इज यूज्ड एज एन एडिशनल बेस लोकेशन फॉर मेमोरी वेरिएबल्स। तो ये एक्स्ट्रा है मतलब एडिशनल है, जिसके नाम से भी जाहिर हो रहा है, तो ये एडिशनल बेस लोकेशन के लिए यूज होता है कि एज एन एक्स्ट्रा मेमोरी वेरिएबल ये रजिस्टर अवेलेबल होता है। अगर हमें जरूरत पड़े हमें ज़्यादा लोकेशन का एड्रेस स्टोर कराना है, ज़्यादा वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करवाना है या फेच करना है, तो इसको हम यूज कर सकते हैं या सीपीयू को यूज करता है। स्टैक सेगमेंट है लास्ट रजिस्टर है हमारे पास, इट कंटेन द बेस लोकेशन ऑफ फ्रंट प्रोग्राम स्टैक। अभी जो स्टैक रजिस्टर यूज हो रहा है या जो स्टैक यूज हो रहा है उसकी बेस लोकेशन क्या है, उसकी लोकेशन कहाँ से स्टार्ट हो रही है, ये चीज़ फेच करने के लिए, ये चीज़ स्टोर करने के लिए स्टैक सेगमेंट यूज होता है। आप कह लें कि बेसिक यूनिट हमारे पास, बेसिकली हमारे पास स्टोरेज जो है, स्टोरेज में रैम इंसर्ट की जाती है या रैम स्टोरेज को स्पीड अप करती है, प्रोसेसिंग को स्पीड अप करती है। रैम को स्पीड अप करने के लिए रजिस्टर्स हैं और रजिस्टर की एक टाइप को स्पीड अप करने के लिए दूसरी टाइप है जो उसे फैसिलिटेट करती है। तो कॉम्बिनेशन में ये सारे कंपोनेंट्स वर्क करते हैं, इसीलिए हमारे सीपीयू की परफॉर्मेंस क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है और एफिशिएंसी उसकी इंक्रीज होती है और हमारा सीपीयू बेटर परफॉर्मेंस दे पाता है। जैसे कि हमने यहाँ भी देखा कि मॉडर्न सिस्टम्स जो हैं उनमें, लास्ट टॉपिक में हमने देखा कि उनमें 0 से लेकर 1 बाइट से लेकर 4 बाइट्स तक के हमारे पास रजिस्टर्स आते हैं, जनरल पर्पस भी और स्पेशल पर्पस भी। और जो हमारे पास एड्रेस या सेगमेंट रजिस्टर्स हैं वो हमारे 2 बाइट्स में आते हैं। दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक यहाँ ही ख़त्म हुआ। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में इंस्ट्रक्शन सेट को देखेंगे और इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आया होगा। अगर कोई कंसेप्ट आपको मिस हो गया हो या ना समझ आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखें, लेक्चर्स को अच्छे से समझें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को शेयर करें। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर टुडे, अल्लाह हाफिज़।